अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हम पढ़ेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स प्लस के, माइनस के, मल्टीप्लिकेशन के या डिवीजन के। अगर इक्वल के लेफ़्ट साइड पे आपके पास कोई वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं और आपने उसे इक्वल के राइट साइड पे लेके जाना है, तो प्लस वाली वैल्यूज़ जो हैं वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसी तरह से अगर आपके पास लेफ़्ट साइड पे माइनस वाली वैल्यूज़ अवेलेबल हैं और आप उन्हें राइट साइड पे लेके जाना चाहते हैं, तो वो किस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगी, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी। और अगर आपके पास आपके लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लिकेशन के कोई दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो वो आपकी राइट साइड पे जाकर मल्टीप्लिकेशन वाली जो वैल्यूज़ हैं वो डिवीजन में चली जाएंगी। और अगर आपके पास कोई वैल्यू आपके लेफ़्ट साइड पे डिवाइड हो रही है दो वैल्यूज़, तो उनमें से जो नीचे डिवीजन के नीचे वाली वैल्यू है वो वहाँ जाके क्या हो जाएगी, राइट साइड पर मल्टीप्लाई। इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स चेक कर लेते हैं। सपोज़ किया कि मेरे पास एक वैल्यू है ए प्लस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे अगर मैंने प्लस बी को इक्वल की राइट साइड पे लेके जाना है, तो मैं इस बात का बहुत ख्याल करूँगी कि मैंने लिखते वक्त ए और इज़ इक्वल, अब यहाँ पे जो पहले इज़ इक्वल के साथ पड़ी हुई हैं वैल्यूज़ वो पहले सारी आ जाएंगी। यहाँ पे ज़ीरो पड़ा था, मैं सिर्फ ज़ीरो ही लिखूँगी और प्लस बी वहाँ जाकर राइट साइड पर क्या हो जाएगा, माइनस बी। तो इसका आंसर बेसिकली आना है ए इज़ इक्वल टू माइनस बी या ज़ीरो माइनस बी। अब मेरे पास सपोज़ करें कि नेक्स्ट मेरे पास एक है कि अगर मेरे पास a माइनस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है, तो मैं क्या लिखूँगी, मेरे पास मैंने माइनस बी को अब इक्वल के राइट साइड पे लेके जाना है, तो मैं क्या करूँगी, a ऐसे ही लिखूँगी, a इज़ इक्वल टू ज़ीरो और माइनस बी वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस बी। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती थी, प्लस टू हो सक, माइनस टू हो सकता था, माइनस थ्री, माइनस फाइव, जो भी, माइनस फाइव ए वेरिएबल के साथ भी हो सकती थी, वहाँ कर क्या हो जाएगी, प्लस में राइट साइड। अब सपोज़ करें कि मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू है टू ए इज़ इक्वल टू, सपोज़ करें वन हो सकता है, कुछ भी और वैल्यू भी हो सकती थी। अब यहाँ टू और ए जो है वो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर यहाँ से टू मुझे वहाँ पर लेके जाना है, तो मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मेरे पास, तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आंसर आपके पास क्या आएगा, ए इज़ इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई टू। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल मेरे पास। नेक्स्ट मेरे पास एग्जांपल है, सपोज करें कि मेरे पास कोई से दो वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, डिवाइड। जैसे सपोज़ किया मैंने कि ए डिवाइडेड बाई टू इज़ इक्वल टू वन। अब यहाँ पर ए के साथ टू डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड टू हो रहा है, तो इसका मतलब है डिवीजन, अगर आपने ए की वैल्यू निकाली है, तो डिवीजन वाली जो वैल्यू है वो वहाँ पे इक्वल के राइट साइड पे जाकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ए इज़ इक्वल टू वन मल्टीप्लाई बाय टू विच इज़ इक्वल टू टू। तो ए इज़ इक्वल टू, आपके पास इसका क्या आंसर आएगा, ए इज़ इक्वल टू टू। अब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हमारा पूरा मैथ जो है वो रिलाई करा।